मैं सबसे पहले हमारे देश के उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनके कारण हम इस आजाद देश की हवा में सांस ले रहे हैं। एक पंक्ति है, उनके प्रति प्यार प्रकट करने की, हमें उनके प्रति स्नेह प्रकट करना चाहिए। जो भरा नहीं बाहों से भैती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं। हमें इन शहीदों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें 2 महिला सदस्य थी, पंडित विजय लक्ष्मी और सरोजिनी नायडू, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उस समय 22 समितियां हुआ करती थी जिसमें प्रारूप समिति एक प्रमुख थी। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनाकर तैयार कर दिया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो देश के सभी नेताओं ने गहन विचार मंथन किया कि इसको कब लागू किया जाए। तो कुछ नेताओं ने कहा क्यों ना इसको 26 जनवरी को लागू करें, क्योंकि हम पिछले 18 या 20 वर्षों से 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते आ रहे हैं, इसलिए इसे 26 जनवरी को लागू किया जाना चाहिए। तो हुआ ऐसा ही, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया, यानी कि 26 जनवरी बनाने की शुरुआत 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर रावी नदी का जल हाथ में लेकर शपथ खाई थी, जब तक मेरा देश आजाद नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उन्होंने इस दिन अपने रेशमी वस्त्र त्याग कर खादी धारण की थी। और 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, जो कि देश के पहले खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी हमारे संविधान की 2 प्रतिलिपियां हैं, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में, जो कि संसद भवन के पुस्तकालय में रखी गई है, जब हमारे देश का संविधान बना रहे थे तो विभिन्न देशों से कुछ न कुछ विषय लिए गए। मैं आपको बताता हूँ किस देश से क्या लिया गया और हमारा संविधान बना। देखो, सबसे पहले हमारा जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार है हमारे वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। केंद्र तथा राज्यों के आपसी संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और एक और बात मुख्य, दक्षिणी अफ्रीका का नाम आया इसलिए आज हमारे 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि हमारे दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। और जब हमारे देश का संविधान बना तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां 22 भाग थे, परंतु अब इसमें 12 अनुसूचियां हो गई है, जो क्रमशः इस प्रकार है, सुनिए कैसे। पहली अनुसूची जिसमें भारत के 29 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची जिसमें पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का उल्लेख मिलता है, पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन्हीं सभी के वेतन तथा भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है, और अनुसूची 3 में पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शब्दों का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। चौथी अनुसूची जिसमें भारत के 29 राज्यों की राज्यसभाओं के प्रतिनिधित्व का उल्लेख मिलता है। पांचवी अनुसूची जिसमें अनुसूचित जाति तथा क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में भारत के राज्य मिजोरम,